Hi everyone, I am Namita. Welcome to my channel, and today I'm going to talk about the things that we need to stop expecting from others. ये सारा खेल ही expectation का है. जितने भी दुख तकलीफ होते हैं ना life में, वो सारे हमको इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम किसी से कुछ expect करते हैं और वो पूरा नहीं होता. और हमारे end से भी ये होता है कि लोगों की हमसे expectation होती है, हम जब वो पूरी नहीं कर पाते तो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरे भी ताने मारते हैं. So ये पूरा expectation का game हमको खेलना बंद कर देना चाहिए. But इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाइफ में जब हम लोगों से डील करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं. अगर हमको एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, अगर हमको अपनी मेंटल हेल्थ को साउंड रखना है, फिज़िकली हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है बट मेंटली हेल्दी होना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हम अभी से बंद कर देंगे लोगों से एक्सपेक्ट करना, तो हम ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं. द फर्स्ट थिंग, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू रीड योर माइंड. इट्स योर जॉब टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स. हमको लगता है कि मेरे को ऐसे फील हो रहा है, मैं ऐसे सोच रही थी, तो उसको जादू से पता चल जाए और वो वैसे ही कर दे. मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं थकी हुई आई हूँ और वो मुझे चाय बना के दे दे. ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारे मन में है, दूसरे के दिमाग तक कैसे जाएगी? लोगों के दिमाग पढ़ने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है. फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन लोगों के माइंड्स थोड़ी होते हैं. तो हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा समझ जाए मेरी फीलिंग्स को, ऐसे दुनिया नहीं चलती. हमको हमारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं. स्पेसिफिकली इन सर्टन रिलेशनशिप्स आपको दूसरे को ये बताना होगा कि क्या आप उम्मीद कर रहे हो. हेल्प मांगने के नाम पे या फिर दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त मैं आपसे ये चाहता हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू डू मी अ फेवर. आप अपने मन में सोचते रहोगे और फिर जब वो पूरा नहीं करेगा तो आप हर्ट हो जाओगे, फिर आपके बीच में डिफरेंसेस आने लगेंगे. दिस डजंट मेक अ सेंस. कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को बताओ, बोलो, इसमें कोई हर्ज नहीं होता. अपने आपके मन में जो बात चल रही है उसको कहना कभी भी गलत नहीं होता. द सेकेंड थिंग इज, डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम. थिंग्स वर्किंग आउट इज अ पॉसिबिलिटी टू. हम हमेशा बुरे की तरफ ही सोचते हैं, अरे ये नहीं होगा, मैंने इस काम में स्टार्टिंग तो कर दी है पर ये फ्रूटफुल नहीं होगा, मैंने ये एग्जाम तो दे दिया है पर मेरा क्लियर नहीं होगा, मैंने जॉब का इंटरव्यू तो दिया है लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैंने बिजनेस स्टार्ट तो किया लेकिन देखना मेरा नहीं चलेगा, अरे मैंने उसको अपनी फीलिंग्स बता तो दी पर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा. हम हमेशा वर्स्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं. ये वाली एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी चाहिए. जब एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में ही है तो हम उसको ट्विस्ट कर दे, तो हम ऐसे सोचने लगे तो कि ये तो होगा ही होगा, मैंने पूरी पढ़ाई की थी, अब एंट्रेंस दिया है तो ये क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि मेरे मन की फीलिंग सच्ची है तो वो इंसान ज़रूर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है. अगर अच्छा नहीं भी दिया तो भी वो मुझे एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे. आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत मैटर करती है. अगर आप अपने लिए पॉजिटिव एक्सपेक्ट करोगे तो लाइफ में आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप हमेशा वर्स्ट के लिए, नेगेटिव के लिए सोचते रहोगे तो नेगेटिव ही होगा. द थर्ड थिंग इज, डोंट एक्सपेक्ट न्यू रिजल्ट्स फ्रॉम ओल्ड रिपीटेड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ टू. जब लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं वो उसको नहीं बदल रहे हैं, तो आप कैसे सोचते हो कि आपके रिलेशनशिप को अलग डायरेक्शन मिलेगी? अगर किसी की आदत है फ्लर्ट करने की और वो बार बार कर रहा है और आपके कहने के बावजूद वो चेंज नहीं कर रहा और आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप चलेगा, तो ये गलती आपकी है. आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? नोटिस करो लोगों का बिहेवियर और उनके पैटर्न्स. जब तक वो उसको बदलेंगे नहीं, सेम पैटर्न्स के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते. आप नए रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, फिर वही होगा जो अब तक होता आ रहा है, लड़ाई, झगड़े, कन्फ्यूजन्स. सेम आपके अपने साथ भी है. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जब मैं इंग्लिश के सेशंस लेती हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम टू मेक सम चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल. उनका ओल्ड पैटर्न क्या है? हिंदी मूवीज़ देखना. उनका ओल्ड पैटर्न क्या है? उनको किताबें नहीं पढ़नी, उनको बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना कुछ और लिसनिंग एक्सरसाइजेस करने में, कि वो इंग्लिश मूवीज़ देखने लग जाए. तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि आपके अंदर ये न्यू रिजल्ट कैसे आएगा? हाउ विल यू बिकम फ्लुएंट? हाउ विल यू डेवलप दिस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज? चेंज करो कि इंग्लिश किताबें पढ़नी शुरू करो, इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू करो, कुछ पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनो. आप जब ये चेंजेस लाओगे तभी तो आपके अंदर वो चेंज आएगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी. सो चेंज के साथ में ही कोई नए रिजल्ट होते हैं. पुराने पैटर्न्स और पुराने बिहेवियर्स के साथ में नए रिजल्ट एक्सपेक्ट करना सबसे गलत बात है. ओके, नाउ द फोर्थ थिंग, योर थॉट्स मे लाई
डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं हो, थॉट्स आते जाते रहते हैं. हम हर चीज को मान लेंगे जो थॉट आएगा, तो कैसे बात बनेगी. इस माइंड से ना तो ये एक्सपेक्ट करो कि उसमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते रहे, नेगेटिविटी आएगी. आपको उसको दूर भगाना है, ये आपकी जॉब है. सो आपके थॉट्स गलत भी हो सकते हैं. कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, किसी को हार्म करने के थॉट आ जाता है, जेलेसी आ जाती है, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं. लेकिन हमको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जैसे ही वो फीलिंग आए हम उसको साइड में कर दें और हम फिर वापस अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं. क्योंकि हम सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, थॉट्स तो बहुत शॉर्ट टर्म है. हर तरह के थॉट्स आते हैं, हर सेकंड नया थॉट आता है. सो एक थॉट के ऊपर अटकने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डिफाइन नहीं करता. सो हर थॉट को बिलीव नहीं करना. अपने आप से ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि आप एकदम परफेक्ट साधु इंसान बन जाओ. गलतियाँ होती रहेंगी, थॉट्स भी आते जाते रहेंगे, बस उनको हमेशा बिलीव नहीं करो. यू आर नॉट जस्ट योर थॉट्स, यू आर मोर देन दैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट, डोंट बी हार्ड योर सेल्फ. यू एक्चुअली नीड टू लव योर सेल्फ मोर देन एनीवन और एनीथिंग एल्स. लेकिन हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद के साथ इतना हार्ड हो जाते हैं, ये मैंने क्यों कर दिया. अपने आप को ही इतना क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने साथ ही इतने सवाल जवाब करते रहते हैं, और फिर दुनिया के साथ तो कॉम्पिटिशन भी है, क्रिटिसिज्म भी है, सब कुछ है. पहले तो अपने साथ थोड़े नर्म हो जाओ, क्योंकि आपकी एक्चुअल स्टोरी सिर्फ आपको पता है. सिर्फ आपको पता है कि आपने क्या जंग लड़ी है, कितनी मुश्किलों को आपने पार किया है. अपने साथ सॉफ्ट हो जाओ और बाकियों से जो प्यार है उससे पहले प्यार अपने साथ करना शुरू करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ मोर देन एनीथिंग एंड एनीवन एल्स. सिर्फ लोगों की बात नहीं करी, और कोई भी चीज़, मटेरियल पोजेशंस को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करो. एक्चुअली द लव दैट वी लुक फॉर आउटसाइड इज द लव विच वी आर लुकिंग फॉर इनसाइड. आप फिर रेडिएट जब लव करते हो तो आपको वो लोग भी मिल जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. पर पहला प्यार खुद के साथ करने की ज़रूरत है. और प्यार का मतलब तो इतना तो है ही ना कि हम अपने साथ नर्म रहेंगे, विल नॉट बी हार्ड एंड हार्श टू आर ओन सेल्फ. अपने साथ हम थोड़ा जेंटली पेश आएंगे, अगर थके हुए हैं तो रेस्ट ले लेंगे, तकलीफ है तो उसको बताएंगे, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करेंगे. तो यही सेल्फ लव है, नथिंग एल्स. सो लेट्स स्टार्ट नॉट टू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम एनीवन एंड इवन फ्रॉम लाइफ. लाइफ से भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है. हमें जो ज़रूरत है वो है खुद पे काम करने की, ताकि हम एक बेटर और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाए. एंड ऑन दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन. यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ कीप लविंग योर सेल्फ मोर ईच डे. बाय बाय.